करारा जवाब देने वाले जाबाज सपूतों और हमले के शिकार लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी। लोकसभा में इन लोगों की शहादत का जिक्र करते हुए लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार ने कहा कि 9 साल पहले देश की सबसे लोकतांत्रिक संस्था संसद पर आतंकवादियों ने नाकाम हमला किया था। उन्होंने कहा कि इस अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मिलजुल कर और नए प्रयासों के साथ मुकाबला किया जाना चाहिए। राज्यसभा में सभापति हामिद अंसारी ने कहा कि देश को आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस संकल्प लेना होगा। उन्होंने संसद पर हुए हमले की घटना की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए इसमें शहीद हुए लोगों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। बीजेपी ने संसद के हमले की बरसी की याद में एक कैंडल लाइट मार्च निकाला। बीजेपी मुख्यालय से इंडिया गेट तक हुए इस मार्च में बीजेपी के वरिष्ठ नेता शामिल हुए। और फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। हाजिर होते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। देखते रहिए डीडी न्यूज। क्योंकि खुशी से भरा गुड्डे सिर्फ 5 रुपए में। महात्मा गांधी नरेगा यानी मांगने पर 15 दिन में रोजगार, मेरा हक। मास्टर रोल पे नजर, अपने नाम काम और दाम की पूरी खबर। काम के बाद 15 दिन में पूरी मजदूरी, सीधा पोस्ट ऑफिस में या बैंक के खाते में। रोजगार गारंटी, जोरदार गारंटी। ये पानी मेरा है। मेरा है नहीं, मेरा है। तेरा मेरा मत कर सासू, ये पानी तो सबका। बर्बाद नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा इस्तेमाल करेंगे। ऐसे भविष्य से बचने के लिए पानी बर्बाद ना करें और बारिश के पानी का संरक्षण करें। नहीं, ये सीमेंट तुम्हें संग से खा जाएगा। हाँ, यही है संगरोधक सीमेंट, श्री अल्ट्रा संगरोधक सीमेंट, जो रखे आपके घर और परिवार को सेफ। एक के बाद फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। चीनी प्रधानमंत्री वेन जियाबाओ के दौरे से पूर्व चीन ने आज कहा कि भारत के साथ उसके संबंध बहुत संवेदनशील हैं और इस मामले में सरकार को विशेष ध्यान और निर्देश की जरूरत है ताकि शब्दों की नोकझोंक सार्वजनिक न हो सके। भारत में चीन के राजदूत झांग यान ने आज नई दिल्ली में एक सम्मेलन के दौरान ये विचार व्यक्त किए। बैठक में उपस्थित विदेश सचिव निरुपमा राव ने चीनी राजदूत की भावनाओं को समझते हुए उन्हें बताया कि भारत का रवैया चीन के प्रति बेहद विवेकपूर्ण है। China India relations is very fragile and easy to be damaged and difficult to repair. Therefore, it needs special care in the information age. Public perception is vital to development of any relationship. Efforts should be made on both sides in order to create an objective, friendly and mutually trust environment rather than a wrong projection of each other.
I know as a democracy here in India, we have so many